नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बहराइच हिंसा में भीड़ को किसने उकसाया? क्या कांग्रेस शासन के मुकाबले कम हुए मोदी राज्य में दंगे? साइकोलॉजी समझिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजगंज कस्बे में 13 अक्टूबर की शाम को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच दंगे भड़क गए, जिससे दोनों समुदाय के बीच जमकर झड़प हुई। मामले में पुलिस ने 12 FIR दर्ज की गई, जबकि 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिंसा के दौरान 50 से अधिक घरों में तोड़फोड़ की गई, जिन घरों में एक भी शख्स मौजूद नहीं है। हरदी और मैसी इलाके 20 किलोमीटर क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। आइए जानते हैं कि बहराइच जैसे दंगों या हिंसा का मनोवैज्ञानिक क्या होता है, क्यों भीड़ बिना कुछ जाने समझे कहीं भी टूट पड़ती है। ग्रेट कलकत्ता किलिंग में मारे गए थे 10,000 लोग। दंगों या सांप्रदायिक हिंसा की बड़ी मिसाल ग्रेट कलकत्ता किलिंग है। 16 से 19 अगस्त के बीच 1946 के कलकत्ता दंगे भड़क उठे थे, जिन्हें ग्रेट कलकत्ता किलिंग के रूप में भी जाना जाता है। ये कार्रवाई मोहम्मद अली जिन्ना के डायरेक्टर एक्शन डे बुलाने पर हुआ था। ये दंगे संभवतः 1946 से 1947 की अवधि के सबसे कुख्यात नरसंहार माने जाते हैं, जिसके दौरान भारत के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। हालांकि इसी के बाद से जिन्ना के पाकिस्तान से कम कुछ भी मंजूर नहीं है की बात पर दंगे भड़क उठे थे। फेरोहो के राज में मिस्र में भड़के थे पहली बार दंगे। माना जाता है कि गीजा के महान पिरामिडों में दफन मिस्र के फेरो की सभ्यता के दौरान दंगे भड़कते थे। ऐतिहासिक प्रमाण मिले कि 5,000 साल पहले दो समुदाय के बीच दंगे हुए थे। मेसोपोटामिया में भी इसके प्रमाण मिले हैं। रोमन सभ्यता के दौर में भी ऐसी सांप्रदायिक हिंसा या दंगों का दौर चला था। दुनिया में ईसाई बनने या मुस्लिम धर्मांतरण के दौरान हुए धर्म युद्धों में भी ऐसे दंगों का इस्तेमाल किया गया था। दुनिया की तकरीबन हर सभ्यताओं में दंगों या सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास खून से लिखा गया है। भीड़ की आंखें नहीं होती, यही है इसका मनोविज्ञान। किसी भी दंगे या हिंसा में भीड़ होती है जिसकी आंखें नहीं होती, यानी भीड़ कुछ भी सोच समझकर नहीं चलती, यही भीड़ का मनोविज्ञान है। भीड़ के मनोविज्ञान का सिद्धांत गुस्ताव ले बोन 1841 से 1931, गैब्रियल टार्टे 1841 से 1904 और सिगमंड फ्रायड ने दिया था। राइफल एच टर्मन और लुइस क्लियन के अनुसार शुरुआत में भीड़ में थोड़ी एकता होती है, लेकिन मिलजुल कर रहने की अवधि के दौरान इसकी अगुवाई करने वाले कुछ प्रमुख सदस्य एक्शन की अपील नहीं करते, जिससे भीड़ उग्र हो जाती है। उस वक्त भीड़ किसी के कहने पर एकजुट होती है और उसी के दिमाग के अनुसार काम करती है। भाजपा के मुकाबले कांग्रेस शासन में ज्यादा हिंसा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2006 से 2013 के वर्षों के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी UPA शासनकाल की तुलना में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के 2014 से 2021 तक के शासन सांप्रदायिक हिंसा में हुई हत्या में 12% की गिरावट देखी गई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वन टुडे।